दोस्तों ये एक स्टेटर है जो कि 14+14 है और आज हम इसकी 3 वायर में कनेक्शन करना सीखेंगे। शॉर्ट वीडियो देखी होगी आपने, अगर नहीं देखी होगी तो आप देख लें, उसमें भी मैंने बताया था कि किस प्रकार से इसमें 3 वायर में हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये फुल वीडियो है, वो शॉर्ट वीडियो थी, कुछ 15 सेकेंड या 60 सेकेंड की होगी, 1 मिनट की वीडियो होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने सिर्फ 4 वायर निकाले हुए हैं, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के। तो दोस्तों ये जो रनिंग का जो 1 वायर है और 1 वायर हमारा स्टार्टिंग का रहेगा, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये अगर अलग अलग वायर होंगे, मतलब माना 2 वायर दूसरी कोयल के एक तरफ निकल जाएं और दूसरी कोयल के एक तरफ निकल जाएं वायर, तो उस कंडीशन में हम इसे 3 वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जो कोयल के वायर हैं आमने सामने आना चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर आमने सामने कोयल के वायर नहीं आएंगे तो हम 3 वायर में इसे बना नहीं पाएंगे, और ये पंखा अगर आपने बना भी दिया तो यह उल्टा चलेगा या सीधा चलेगा या धीरे चलेगा। वो धीरे चला तो गर्म होगी कोयल, कोयल गर्म हुई तो आपका जो स्टेटर है जलकर खाक हो जाएगा, फूक जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके अंदर आपने देखा कि ये जो कोयल है, कोयल के स्टार्टिंग कोयल के 2 वायर और रनिंग कोयल के 2 वायर आमने सामने आना चाहिए, तब जाके हम इसे 3 वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने एक स्टार्टिंग का वायर लिया और एक रनिंग का वायर लिया, जो कि हमने आपस में जोड़ दिया, ऐसे कॉमन बना दिया ताकि हम इसमें वायर अटैच कर सकें। और आप ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में 3 वायर ही हैं, 4 वायर नहीं हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के वायर हैं, कॉपर का वायर, नीला, काला और लाल। तो हमने जो लाल वायर है वो लगा दिया हमारे कॉमन वायर में, ताकि हमें पता लग सके कि ये कॉमन वायर है। कॉमन वायर का मतलब ये कि इसमें सिर्फ रिवर्स और फॉरवर्ड नहीं होगा, सिर्फ एक ही सिंगल करंट का वायर इसमें लगेगा। और ब्लैक और ब्लू वाले वायर में हम कंडेंसर का वायर लगाएंगे, इन दोनों में कंडेंसर के वायर लगेंगे। और अगर आपने ब्लू वायर में एक वायर तो हमारा कॉमन हो गया, जो कि करंट का लाल वाला वायर है, वो लगा दिया। और अगर हमने इन दोनों में कंडेंसर लगाने के बाद अब करंट की वायर ये कि कौन सा वायर कहाँ देना है हमें, ठीक है। तो सिंपल सा है मेथड इसके अंदर। अगर आपने ब्लैक वायर में करंट दिया तो पंखा सीधा घूमेगा, एक वायर ब्लैक में और एक वायर रेड में, ठीक है। और अगर पंखा उल्टा घूमता है तो आप, पहली बात तो पंखा उल्टा घूमेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर आपको पंखा ऐसा लग रहा है कि नहीं यार उल्टा घूम सकता है, तो वायर की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। इसमें 100% बोल सकता हूँ कि उल्टा पंखा घूमेगा ही नहीं, क्योंकि हम अधिकतर 3 वायर में पंखे वाइंडिंग करते हैं। और नीला वायर में अगर आपने करंट दे दिया और एक वायर लाल में लगा दिया, तो आपका जो स्टेटर है, मतलब पंखा है, उल्टा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने एक वायर लाल में और एक वायर ब्लैक में दिया तो 100% पंखा सीधा घूमेगा, स्पीड फुल आएगी। दोस्तों स्पीड की गारंटी हमारी है, अगर हमारे इस मेथड से अगर आप पंखा वाइंडिंग करते हैं तो। दोस्तों इसके अंदर जो अब बारी आई टर्न की, कि हमने टर्न कितने डाले होंगे इसमें, तो दोस्तों मेरी कई वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ 3 वायर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 3 वायर में कनेक्शन कैसे करते हैं इस स्टेटर का, 14+14, 12+12 या 16+16 आता है वायर हमारा, स्टेटर आता है, उसकी कनेक्शन वायर के बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, तो आपका सिर्फ 1 सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि और आगे वीडियो बना पाए, हम बना सकें। यही कारण है कि हमारी वीडियो कम आती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को लाइक नहीं करते वीडियो को। तो हमें मोटिव मिलता है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमें पता चलता है कि कहां कहां से लोग देखते हैं हमारी वीडियो, देख रहे हैं, देख भी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।